हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू साहू टेक्निकल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक किए हैं। दोस्तों, इस चैनल का जो पिछला वीडियो काइन मास्टर का जो न्यू अपडेट इसके बारे में, तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और बात करें आज की इस वीडियो का, तो इस वीडियो में मैं काइन मास्टर के 3 वीडियो एडिटिंग के टिप्स दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप हो सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। दोस्तों, पहला है वीडियो बॉर्डर। तो ये एक कूल वीडियो एडिटिंग है दोस्तों, ये इफेक्ट आप लगाते हैं तो आपका वीडियो कूल दिखेगा। तो इसके लिए आपको 16:9 पे एक प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना होगा, और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके, तो यहाँ पर लेयर पे जाके मीडिया से एक बैकग्राउंड ले लेंगे दोस्तों। ये जो बैकग्राउंड आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे जाके आपको यहाँ पर फुल कर देना होगा, और इसको आप ऐसे फुल कर दीजिए। और यहाँ पर इसका जो ओवरऑल एनिमेशन है, और यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर लास्ट में क्लॉक वाइज कर देना होगा। आप एंटी क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर लेयर पर जाके फिर से मीडिया पर जाइए, और एक बैकग्राउंड ले लीजिए। ब्लैक होगा तो अच्छा होगा, ब्लैक ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं। तो ये जो ब्लैक बैकग्राउंड लगाने के बाद आपका जो वीडियो है, बहुत ही कूल तरीके से जो है यहाँ पर वीडियो पे बॉर्डर लग जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये जो बॉर्डर है, आप यहाँ पर मिडिल पे कोई भी वीडियो को लगा सकते हैं। वीडियो को लगाने के बाद आपका जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर मैंने डाल दिया, और वीडियो को प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो जो है सिंपल सा था, तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से जो है दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और सेकेंड वाला जो ट्रिक है 3D एनिमेशन, दोस्तों आप कोई भी वीडियो को 3D एनिमेशन दे सकते हैं काइन मास्टर के माध्यम से। इसके लिए भी आपको पहले प्रोजेक्ट ओपन कर लेना होगा 16:9 पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं वो वाले जो वीडियो है जहाँ पर मैं 3D एनिमेशन लगाऊंगा, तो उस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला इंट्रो वाला मेरा। तो यहाँ पर मैं लेयर पे जाऊँगा, और फिर इफेक्ट पे जाके यहाँ पर गेट मोड पे जाके मैं काइन मास्टर के जो असेंट स्टोर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म बोल के एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर जाके आपको इस ट्रांसफॉर्म वाला जो इफेक्ट है इसको डाउनलोड कर लेना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आपको आ जाना है फिर से बैक, और यहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट है आ जाएगा, और यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप ये इफेक्ट डाल सकते हैं 3D इफेक्ट। ये इफेक्ट को फुल जो है वीडियो पे लगा देते हैं इस तरह से, और फिर हम लोग इस सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। इस सेटिंग पे ही जब राज खुलेगा इस इफेक्ट का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर एक जो है ऑप्शन का जो अलग अलग काम है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो का जो पैन एंड जूम है उसे हम लोग यहाँ पर जाके लास्ट वाला जो एंड पोजीशन है वहाँ पर जाएंगे, और इसको हम लोग जूम करेंगे इस तरह से, और इस साइड पे जूम करके छोड़ देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जूम होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो का जो सेटिंग पे जाके मैं यहाँ पर पहला जो दो ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से 3D एनिमेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे सेटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको तो वीडियो किस तरह से प्रोफेशनल लग रहा है। तो अभी 3D, तो ये भी आप अपने वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हम लोगों का जो नंबर 3 वाला जो इफेक्ट है, मतलब लास्ट वाला जो इफेक्ट, वो है टेक्स्ट एनिमेशन। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्लस पे क्लिक करके 16:9 पे प्रोजेक्ट ले लेंगे, और एक बैकग्राउंड ले लेंगे ब्लैक कलर का, और लेने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट पे जाएंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मेरे चैनल का नाम यहाँ पर साहू टेक्निकल डाल देता हूँ, उसको बड़ा करके यहाँ पर इसका जो इन एनिमेशन है उसके पहले हम लोग लेयर पे जाके हैंड राइटिंग पे जाएंगे,
और हैंड राइटिंग पर जाके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये बॉक्स वाला मतलब ये जो स्क्वायर वाला वो रहे। और यहाँ पर आप इसका जो कलर है वाइट ही रखिए और इसका साइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक से सेकेंड वाला। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के ऊपर से जो है हम लोग इस तरह से एक स्क्वायर कर देंगे। तो ये आप ठीक से करिएगा, तो उसके बाद इसको एडजस्ट भी कर लीजिएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसका जो इन एनिमेशन है वहाँ पर वैप राइट करेंगे। ठीक है, वैप राइट करने के बाद इसको थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग बढ़ा देंगे और फिर हम लोग इसका आउडिनेशन पे जाके वैप राइट कर देंगे। वेब राइट करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा कम कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद हम लोग हैंड राइटिंग पे जाके इसका इन एनिमेशन पे जाके ड्रॉ बाय स्ट्रोक पे जाके यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है 1.5 कर देंगे। और फिर हम लोग इसके जो आउट एनिमेशन है वहाँ पर जाके इरेज इन ऑर्डर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। और ये करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से जो एनिमेशन होने लगेगा। तो आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पर ग्रीन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रीन करने के बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। और दोस्तों एक्सपोर्ट होने के बाद हम लोग हमारा जो पहला वाला प्रोजेक्ट था वहाँ पर जाएंगे वापस। उस प्रोजेक्ट में हम लोग ये वाला टेक्स्ट को ऐड करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम लोगों का जो पहला वाला प्रोजेक्ट था वहाँ पर जाके यहाँ पर हम लोग इस टाइम पे जाके हम लोग यहाँ पर हम लोग अभी जो टेक्स्ट एनिमेशन तैयार किए थे उसको यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेयर पे जाके मीडिया से वो वाले ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो को हम लोग ले लेंगे और इसका क्रोमा की इनेबल करके इसको सही से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट अभी नहीं दिख रहा होगा। तो एडजस्ट करने के बाद ही आप लोगों को ये टेक्स्ट दिखेगा। तो ये करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट पे हम लोगों का जो है ग्रीन सा कलर अभी तक है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट पे जाके इसका जो ब्राइटनेस है फुल कर देंगे। तो अभी हम लोगों का जो टेक्स्ट है पूरा वाइट हो चुका है। और अभी मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी इस वीडियो के ऊपर जो हम लोगों का जो टेक्स्ट है किस तरह से एनिमेट होगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।